नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 3 नवंबर 2023 की प्रातः है 5:12 पर शुक्र अपनी वर्तमान अग्नि तत्वी सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 29 नवंबर 2023 तक शुक्रदेव कन्या राशि में ही नीचस्त अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता देगा और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में शुक्र को महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का ही प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। किसी भी जातक की कुंडली पर शुक्र अगर बली और मजबूत अवस्था में विराजित हो तो सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख आसानी से ऐसा व्यक्ति हासिल करता है। शुक्र के बली प्रभाव से शरीर में सुंदरता और वाणी में मिठास देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से जातक विपरीत लिंग को आसानी से आकर्षित कर सकता है। शुक्र बली हो तो वैवाहिक जीवन काफी सुखमय होता है। शुक्र के बली होने पर मान सम्मान भरी स्थितियां और कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग आसानी से प्राप्त होता है। वह शुक्रदेव जन्म कुंडली पर अगर खराब और नीचस्त अवस्था में विराजित हो, शारीरिक सुखों की कमी, यौन जनित बीमारियां मिलती है, वैवाहिक जीवन में विवाद की संभावना बनती है, आर्थिक मामलों में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में धन की कमी बनी रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों, शुक्र आपके राशि के पहले और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके राशि के स्वामी हैं, जो 3 नवंबर 2023 को आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 12वें भाव पर शुक्र का गोचर कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बार बार बदलाव और परिवर्तन की स्थितियां दर्शा रहा है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में एकाग्रता बनाकर मेहनत पूर्वक चलने की विशेष आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। यदि आपका जुड़ाव शुक्र जनित क्षेत्रों में है, जैसे यदि आप कोई व्यापार करते हैं, उसके साथ साथ संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, तो यह समय आपके जीवन में काफी शुभता और सकारात्मकता लेकर आने वाला है। यदि आपका जुड़ाव मल्टीनेशनल कंपनियों में है या विदेशों में रहकर यदि आप कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता आसानी से देखने के लिए मिल सकती है। धन के मामले में यह समय आपके लिए काफी खास रहेगा। कई प्रकार के धन कमाने के अवसर तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है, लेकिन द्वादश भाव पर शुक्र की मौजूदगी है तो आपके जीवन में व्यर्थ के खर्च बने हुए रहने वाले हैं। तुला राशि के जातकों, यदि आप कर्ज,
किसी को दे रहे हैं या धन का निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप निवेश कर रहे हैं, यहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। द्वादश भाव पर नीचस्थ अवस्था में शुक्र का गोचर आपको सेहत के मामले में भी अलर्ट रहने की सलाह दे रहा है। तुला राशि के जातकों को नेत्रों में प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या और मौसम परिवर्तन से कई प्रकार की बीमारियां हमेशा से ही उत्पन्न होती है, आपको पता भी है। तो मौसमी बीमारियां आपको आसानी से आपके ऊपर प्रभावी हो सकती है। आपके राशि के स्वामी हैं जो द्वादश भाव पर प्रभावी हो रहे हैं, तो आपके इम्यूनिटी यानी आपकी शारीरिक क्षमताओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो सेहत के लेकर तुला राशि वाले जातकों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सेहत का विशेष ध्यान रखकर चलें। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से जरूर बचें। वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी के साथ परस्पर सहयोग और समर्थन की कमी मिल सकती है, तो यहां पर भी तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में धैर्य बनाकर चलना चाहिए और वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तकरार निर्मित ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को सफेद चीजों का दान करना काफी बेहतर रहने वाला है। शुक्र जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन यदि आप चावल, दही, खीर, सफेद वस्त्र, चीनी, मिश्री किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूप से श्रद्धा दक्षिणा भाव से दान करते हैं तो शुक्र ग्रह के अशुभ फल आपके जीवन से दूर होने वाला है। उसके साथ साथ शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आपको रोजाना इलायची पानी में डालकर स्नान करना है, इससे आपको काफी सकारात्मकता देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः।